करीब 72 घंटे पहले यूक्रेन ने मॉस्को को दहला दिया, सिलसिलेवार अंजाम दिया गया ड्रोन स्ट्राइक को, कोहराम मचा दिया। लेकिन अब रूस यूक्रेन के बीच बैटल ऑफ कैपिटल का आगाज हो चुका है। जी हां, मॉस्को का बदला लेने के लिए रूसी डिफेंस ने न सिर्फ कीव में ड्रोन स्ट्राइक की, बल्कि इसके साथ साथ कीव से 316 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद क्रीवी री शहर को ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से तहस नहस कर दिया। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल क्रीवी री शहर जो है यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का होम टाउन है। इस शहर में जेलेंस्की का घर है। लेकिन यकीन मानिए, ये तो यूक्रेन को बारूदी चोट देने की शुरुआत है, क्योंकि अब मॉस्को का इंतकाम लेने के लिए पुतिन हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों से प्रहार करने वाले हैं। आखिर कब, कहां और कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फॉर ऑफ कैपिटल का नया ट्रेलर। अब यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आया, जहां रूस के आत्मघाती ड्रोन्स ने विस्फोटक धमाके करते हुए कोहराम मचा दिया। पूरा कीव आग और बारूदे गुबार से दहलने लगा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि मॉस्को का इंतकाम लेने के लिए पुतिन की फौज ने कीव में तबाही तो मचाई है, इसके साथ साथ क्रीवी री यानी ज़ेलेंस्की के होमलैंड को भी मिसाइल अटैक में तहस नहस कर दिया। अड़तालीस घंटे के अंदर मॉस्को पर ड्रोन के जो डबल स्ट्राइक हुए, इससे भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने कीव और क्रीवी री दोनों को बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। वॉर जोन से जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक राजधानी कीव पर 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, वहीं क्रीवी री ने रूस ने मिसाइलों से अटैक किया। रूस के हमले में 6 की मौत और दर्जनों घायल हुए। क्रीवी री के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी डिफेंस ने न सिर्फ ज़ेलेंस्की के होप टाउन बल्कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट के घर के पास भी मिसाइल हमले किए, जिसके चलते ज़ेलेंस्की के घर को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि क्रीवी री सेंट्रल यूक्रेन का बड़ा शहर है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 316 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद है। यह शहर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का होम टाउन है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को और क्रेमलिन का बदला लेने के लिए कीव के साथ साथ क्रीवी री को दहलाया। मिसाइल हमले ने इस शहर को धुआं धुआं कर दिया। यानी राजधानी के बदले राजधानी पर अटैक के फॉर्मूले के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने कीव पर कहर बरपाया। कीव ही नहीं, ज़ेलेंस्की के होम टाउन को भी बारूदी कोहराम से थर्राया। लेकिन आपको बता दें कि बीती रात सिर्फ कीव या क्रीवी री में ही रूस ने हमला नहीं किया, बल्कि खेरसोन रीजन में भी रूस ने मिसाइल अटैक किया। सूमी रीजन में भी रशियन डिफेंस ने मिसाइलें दागी। इसके अलावा बाखमुत और ज़ेपोरिजिया में भी बमबारी हुई। पुतिन की ऑर्डर के बाद रूसी डिफेंस ने ड्रोन मिसाइलों फैब 500 बमों से यूक्रेन के कोने कोने को दहलाना शुरू किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन से पूर्वी यूक्रेन तक के शहरों में कोहराम मचाया। वहीं साउथ यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाते हुए यूक्रेन के नक्शे पर यू साइन बनाया, यानी वेस्ट से ईस्ट वाया दक्षिण तक जो भी शहर यू आकार में आए उन्हें रूस ने टारगेट किया, बेहिसाब बारूद बरसाया।
हालांकि खेरसोन रीजन को बचाने के लिए खेरसोन में रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन ने हाइमर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना काफी साबित हुआ। लेकिन अब तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही एंग्री पुतिन यूक्रेन पर हाइपरसोनिक प्रहार करने वाले हैं। जल थल नभ से यूक्रेन के चप्पे चप्पे को हाइपरसोनिक मिसाइल से तहस नहस करने वाले हैं। और जानते हैं पुतिन के हाइपरसोनिक अटैक प्लान का खुलासा किसने किया? रूस के जिगरी माने जाने वाले चीन ने। दरअसल मॉस्को हमले के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। आखिर क्या है वो एडवाइजरी, वो भी जान लीजिए। यूक्रेन में भी जो चीन का नागरिक मौजूद है वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ दें या फिर वहां से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यूक्रेन में रहना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि किसी भी वक्त यूक्रेन में बड़ा हमला हो सकता है। कीव और क्रिवी रीह के हमले के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया, यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करना इस बात के साफ और सीधे संकेत हैं कि अब रूस यूक्रेन पर बम और गोले बारूद नहीं बल्कि विनाशक हथियारों से अटैक करेगा। शायद तभी रूस ने चीन को पहले ही चेताया और चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से हाइपरसोनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। मसलन पुतिन का पहला हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, पुतिन का दूसरा हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, यकीन मानिए प्रेसिडेंट पुतिन के इन हथियारों से पार पाना फिलहाल तो किसी के पोते की बात नहीं, क्योंकि अगर रूस ने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देंगे। क्योंकि केंजल हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस हैं, ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तो वही सिरकॉन समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है जिसका एक प्रहार तबाही मचा सकता है। मतलब साफ है साल 2023 में रूस अब उन हथियारों को वॉर जोन में झोंकने की तैयारी कर रहा है जो जंग के वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और पुतिन के आक्रामक तेवर इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि अब तो यूक्रेन वॉर में मामूली तबाही मचाने वाले बम गोला बारूद दागे जा रहे थे, मगर अब युद्ध हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या ब्लैक सी में बवंडर आने वाला है और क्या ये समंदर सूखने वाला है? ब्लैक सी से सबसे बड़ा बारूदी बवंडर उठने वाला है ऐसा लग रहा है। ये वो बवंडर होगा जिससे यूक्रेन खंडर बन जाएगा। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हो चुकी है, अब समंदर से यूक्रेन का संहार होने वाला है। पुतिन ने यूक्रेन के सर्वनाश का आदेश इसीलिए दिया क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने उनकी ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की, एक बार नहीं बल्कि कई बार। आज यूक्रेन ने फिर से रूस के वॉरशिप को डुबोने की कोशिश की है। इसी के बाद पुतिन ने अपनी नेवी को महाविनाश करने का हुक्म दे दिया है। ये जंग और भी भीषण होने वाली है। यह युद्ध और भी संहारक होने वाला है। युद्ध के इस बारूदी अग्नि में यूक्रेन भस्म होने वाला है। यूक्रेन
यूक्रेन ने जो गलती की है वो उसके विनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। पुतिन ने यूक्रेन को पिटाने की उस वक्त कसम खा ली जब यूक्रेनी फोर्स ने ब्लैक सी फ्लीट पर लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया तो काउंटर अटैक के तहत यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्टोपोल पर बैक टू बैक तीन ड्रोन अटैक डाल दिए। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूसी नेवी की ब्लैक सी फ्लीट थी। यूक्रेन मॉस्को और मकारोव की तरह ही रूस की वॉरशिप को तबाह करना चाहता था लेकिन यूक्रेन का एक काउंटर अटैक फेल हो गया। यूक्रेन ने नेवल ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी लेकिन रूस ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे पहले कि ड्रोन ब्लैक सी फ्लीट को हिट करते उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। यूक्रेन रूस के उस जहाज को तबाह करने वाला था जो ब्लैक सी फ्लीट के लिए हथियार लेकर आ रहा था। मतलब ये कि रूस को बहुत बड़ी चोट देने की कोशिश थी पर रूसी फौज ने इस विध्वंसक प्लान को आसमान में ही नाकाम कर दिया। सिर्फ सेवेस्टोपोल ही नहीं बल्कि मॉस्को को भी फिर से ड्रोन से तैनाने की कोशिश की गई लेकिन मॉस्को में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को भी फेल कर दिया। यूक्रेन की इसी हिमाकत पर पुतिन और उनकी फौज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रेमलिन ने न सिर्फ यूक्रेन का नामोनिशान मिटाने का ऐलान कर दिया है बल्कि मिशन सर्वनाश को लॉन्च भी कर दिया है। मिशन सर्वनाश इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेनी फोर्स लगातार ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश कर रही है। कल भी उसने ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन दागे थे लेकिन रूस ने इसे भी कामयाब नहीं होने दिया था। यूक्रेन की हिमाकत के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन को तबाह करने की घोषणा कर दी। यूक्रेन सेवेस्टोपोल और मॉस्को पर ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। अब इसका अंत यूक्रेन के अंत के साथ ही होगा। रूस ड्रोन हमले का ऐसा जवाब देगा कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा। क्रेमलिन की सीक्रेट रिपोर्ट भी दावा कर रही है कि पुतिन ने अपनी सेना को अब तक की सबसे बड़ी बारूदी बारिश करने का आदेश दे दिया है। पुतिन की ऑर्डर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। ओडेसा में रूसी फौज भीषण बमबारी कर रही है। यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद यह वही ओडेसा है जहां से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ था। यहां पर बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान और हथियार हैं। अब रूस यहां मौजूद यूक्रेनी फ्रंटलाइन को समाप्त कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा में यूक्रेन के पोर्ट को तबाह कर रही है। ऐसा करके यूक्रेनी सेना को बंधक बनाने की योजना है। रूसी फौज के टारगेट पर ओडेसा के इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं। मिसाइल हमले में ये भी तहस नहस हो रहे हैं। आधी रात को रूस ने ओडेसा प्रांत के इस्माइल शहर पर जबरदस्त प्रहार किया। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो धू धू कर चल गया। ओडेसा का इस्माइल रोमानिया से बिल्कुल सटा हुआ है। यहीं पर रूस ने बमबारी की। ओडेसा में रूसी फौज चुन चुन कर हमला कर रही है। ऐसा लग रहा है यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक भी जल्द ही फेल हो जाएगा लेकिन असली विध्वंस के तो अब शुरू होने की आशंका है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट के 6 युद्धपोत को डेन्यूब डेल्टा में भेज दिया है। इसके साथ ही ब्लैक सी में तैनात वॉरशिप्स में कैलिबर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है।
यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब अब ब्लैक सी से दिया जाएगा। कैलिबर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। रूस की नेवी हर फ्रंट पर तैयार है, किसी भी वक्त बारूदी तूफान शुरू होने वाला है। संधि या फिर सर्वनाश, सर्दियों में सबसे बड़ा संग्राम, सर्दियों में भीषण जंग के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दियों में रूस के खिलाफ यूक्रेन काउंटर अटैक और तेज करेगा। इसकी कई वजहें हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से घातक हथियार भी मिल रहे हैं और पैकेजेस भी मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नेटो देश जेलेंस्की की सेना को जो नए हथियार देने जा रहे हैं उनमें भारी तादाद में ऐसे आर्म्स हैं जो सर्दियों में तबाही मचा देंगे। नेटो जहां यूक्रेन को हथियार लगातार सप्लाई करके उसकी मदद कर रहा है, तो वहीं पुतिन भी नए हथियारों का निर्माण तेजी से करवा रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सर्दियों में होने वाली भीषण जंग की तैयारी दोनों तरफ से चरम पर पहुंचेगी। युद्ध की ये तस्वीरें पिछले 17 महीनों से दुनिया के लिए सवालों का सबब बनी हुई है, लेकिन जंग का विध्वंसक दौर अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्दियों में रूस और यूक्रेन की जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होगा। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर सर्दियों में ये इसी तरह जारी रहा तो दुनिया को एक ऐसे युद्ध को भी देखना पड़ेगा जो अब तक ये जंग से भी ज्यादा तबाही लाएगा, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की बारूदी स्थिति के आगे एटमी जंग ही बाकी है। जंग के मैदान में सितम ढाने की पूरी तैयारी है। रूस पर यूक्रेन भीषण हमला करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में यूक्रेन रूस के खिलाफ हमले तेज करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में अगर यूक्रेन ने 2 महीने रूस का मजबूती से मुकाबला कर लिया तो आगे रूस के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। जाहिर है ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सर्दियों में बहुत विनाशकारी युद्ध होगा। अब आप इसकी वजह भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेनी सेना की सर्दियों तक F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। वजह नंबर 2, कई देश यूक्रेन को सर्दियों वाले हथियार दे रहे हैं। वजह नंबर 3, अब्राम्स टैंक के भी सितंबर तक पहुंचने की घोषणा हो चुकी है। वजह नंबर 4, इसी हफ्ते कीव के लिए अमेरिका नए पैकेज का ऐलान करने वाला है। वजह नंबर 5, यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है। पिछली सर्दियों में भी प्रलयकारी जंग होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से पिछली बार सर्दियों में जंग में थोड़ा ठहराव आ गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार दोनों ही पक्ष सर्दियों में भी विध्वंसक और बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। पिछली बार के अनुभव के आधार पर सर्दियों में एक दूसरे पर निर्णायक हमले की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग इसी महीने शुरू करने वाला है। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देंगे। पश्चिमी देश न सिर्फ घातक हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं बल्कि उन्हें अचूक तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में अमेरिकी अब्राम्स टैंक की नई खेप भी यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। हालांकि अगस्त में ही कुछ अब्राम्स टैंकों को अमेरिका जर्मनी भेजने वाला है जहां उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। अगर एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब्राम्स टैंकों की नई खेप सितंबर में यूक्रेन भेज दी जाएगी। दरअसल यूक्रेन काउंटर अटैक को बढ़ाने के लिए नेटो से लगातार नए हथियारों की मांग कर रहा है। अमेरिका और नेटो देश भी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन को बड़े हथियार और सैन्य मदद मुहैया करा रही है। अमेरिका अगले हफ्ते यूक्रेन को एक और पैकेज दे सकता है
यूक्रेन को सैन्य सहायता में $400 मिलियन का पैकेज दे सकता है। इसमें अतिरिक्त हवाई सुरक्षा, तोपखाना और बख्तरबंद वाहनों के साथ गोला बारूद भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिका सैन्य सहायता के पैकेज में यूक्रेन को कौन कौन से हथियार और उपकरण देगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित पैकेज में सर्दियों का खास ख्याल रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि सर्दियों में जंग भयानक रूप ले सकती है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि लंबे वक्त से जारी युद्ध की वजह से रूस के पास लगातार हथियारों की कमी होती जा रही है। इस दावे का आधार इस बात को भी माना जा रहा है क्योंकि रूसी कंपनियां हाल ही में हथियार प्रोडक्शन में काफी तेजी लाई हैं और रूस तेजी से नए हथियार बनाने में जुट गया है। उधर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया को भी यूक्रेन को नए हथियार देने से मना किया है। अगर दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया ने भी यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देना शुरू कर दिया तो जंग निश्चित ही आने वाले दिनों में और भीषण हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।